इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में अलार्म किस तरह हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपको लैपटॉप में अलार्म बंद करना है तो उसके लिए आपको टाइप हेयर टू सर्च में इंटर करना है अलार्म। फिर आपको यहाँ दिखाई देगा अलार्म्स एंड क्लॉक, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ दिखाई देगा अलार्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन है, आपको इस पर क्लिक करके इसे ऑफ कर लेना है। इस तरह आप अलार्म ऑफ कर सकते हैं और आप इसे हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो आपको उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर मैनेज पर, फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको डिलीट पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आप अलार्म हटा सकते हैं।